अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और खुशपाश होंगे और रमज़ान की पूरी तैयारियाँ चल रही होंगी। आजकल हर घर में यही, और कितनी महंगाई हो गई है शदीद वाली, मतलब हर इंसान को शदीद अपसेट किया हुआ है इस महंगाई ने और पाकिस्तान के हालात ने। अल्लाह ताला जल्द पाकिस्तान के हालात को बेहतर करे और महंगाई को किसी तरीके से कोई कंट्रोल कर ले, बस अल्लाह ताला ही है बस। और रमज़ान की आमद आमद है, आप लोग अच्छी से तैयारियां भी कर रहे होंगे रमज़ान की। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे रोज़े रखने की और इबादत करने की। अच्छा जी, मैंने जैसे कि आपको बताया था अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी, अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं वैसे ही बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी स्किन का ट्रीटमेंट क्या है, मैं स्किन को कैसे फ्रेश रखती हूँ या सही रखती हूँ इतना मेकअप हो जाने के बावजूद, और क्या चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, किस तरह से मैं सही रखती हूँ स्किन को, और बालों के लिए मैं कलर कौन सा यूज़ करती हूँ। ये तो मुझे कलर तो हर कोई पूछता है, बिकॉज मेरे बहुत सालों से जो कलर है वो ऑलमोस्ट सेम कलर है मेरा, कभी एक नंबर आगे पीछे जाता है। मैं आप लोगों को आज वो भी बताने वाली हूँ कि मैं कौन सा कलर अपना हेयर डाई कौन सा यूज़ करती हूँ, कौन सा कलर यूज़ करती हूँ। और जिन दिनों में कोविड के टाइम में क्वारंटीन था, जिन दिनों में हम सब जब घरों के अंदर घुसे हुए थे और वो वाला टाइम था कि अव्वल तो कुछ बाहर से आता नहीं था, और अगर कुछ बाहर से आता था तो पहले उसको बाहर ही रख दिया जाता था पोर्च में, और फिर उसके बाद उस पर स्प्रे किया जाता था, फिर एक घंटा बाहर ही छोड़ दिया जाता था और फिर घर के अंदर उठा के सामान लाया जाता था। ये वो वाला टाइम था कि जब सैलॉन्स भी बंद हो गए थे, कुछ नहीं होता था, बहुत सारे इस पे जोक्स ही बने थे कि लड़कियों की मूंछें निकल आई हैं जो थ्रेडिंग नहीं कर सकती थी और ये वो करवा सकती थी, तो पता नहीं क्या क्या मजाक बने थे उन्हीं दिनों में मेरे साथ। थ्रेडिंग में बहरहाल खुद अपनी कर लेती हूँ, शुक्र है वो वाला मेरा मसला नहीं हुआ था। उन्हीं दिनों में मुझे एक चीज सीखने को मिली, वो ये कि मैंने अपना डाई खुद करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो कोई इतना मुश्किल था नहीं। मुझे पता था कि मैं कौन सा कलर यूज़ कर रही हूँ, या मैं जिनसे करवाती थी मुझे पता होता था मैं कौन सा कलर यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने वो जो खुद अपना हेयर डाई रूट्स टच ही होते हैं, अगर आपने वन कलर रखना है तो उस पर आपके रूट्स टच होते हैं, रूट्स आपने डाई करने होते हैं एक डेढ़ महीने के बाद, दो महीने के बाद, डिपेंड ऑन योर हेयर कि आपका हेयर कलर क्या है, या वो कितना थिक है, या कितनी जल्दी आपका ग्रे हेयर आता है, या अगर ग्रे हेयर नहीं भी है तो आपके बालों का एक्चुअल नेचुरल कलर क्या है, ब्लैक है, डार्क ब्राउन है, या कुछ उसके मुताबिक कलर होते हैं। मैं सारी चीज़ें कैटेगरी के साथ साथ आप लोगों के साथ लेके चलूंगी, कलर के बारे में बताऊंगी, हेयर ट्रीटमेंट के बारे में तो कोई मुझसे नहीं पूछता, इतना हेयर स्टाइलिंग होती है मेरे बालों में, इतनी हेयर स्टाइलिंग होती है शूट्स की वजह से, और शूट्स की वजह से भी क्या, इतनी आदत है कि जब शावर लेके निकलना है बालों को ड्राई करने के बाद स्ट्रेट करना है, नीट लुक होनी चाहिए, इतनी आदत हो गई हुई है। तो इतना बुरा हाल बालों के हो जाने के बाद किस तरह से सही रखा जा सकता है, ये भी मैं थोड़ा सा आप लोगों से आज डिस्कस करूंगी। तो स्किन से शुरू करते हैं। आप लोगों को पता है कि काफ़ी सालों से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ और पे दर पे मैंने बहुत सारे सीरियल्स भी किए हैं, और एक सीरियल जो है वो 50-60 डेज में शूट होता है स्पेल्स की सूरत में, ऑफकोर्स हर महीने 15-20 दिन, या डिपेंड करता है अगर वन गो में करना है तो वन गो में भी हो जाता है, और अगर अब टाइम चल रहा है कि किसी भी एक्टर के पास डेट्स नहीं होती हैं, टाइम नहीं होता, तो वो स्पेल्स की सूरत में होता है। एनीवे जो भी होता है आपके बालों के साथ और आपकी स्किन के साथ एक ज्यादती तो हो रही होती है, स्किन को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। जब हम लोग इतना सारा मेकअप करेंगे तो पूरा दिन रहेगा, ये नहीं है कि 2-4 घंटों के लिए आपने किसी इवेंट पे जाना है, आम खवातीन की तरह, आम लड़कियों की तरह, और वापस आना है और क्लिनजिंग करनी है, मुंह धोना है और बस ठीक है। हमारा तो सुबह से लेके रात तक 10-12 घंटे, बल्कि उससे भी ज़्यादा, कभी कभी 10-10 की शूट होती है, सुबह 10 से रात शूट होती है, तो कभी कभी मतलब घर आते हैं पहुँचते हैं मतलब आराम से 12-13 घंटे हमारे फेस पे मेकअप होता है, और फिर वो रीटच भी हो रहा होता है पूरे दिन में, उतर तक अभी नहीं है, ऊपर और हो रहा होता है गर्मियों में स्पेशली, क्योंकि गर्मियों में जब हम लोग शूट करते हैं तो पसीना आता है, तो हर सीन के बाद आपको मेकअप दोबारा से रीटच करना पड़ता, तो उस रीटच के चक्कर में लेयर्स बनती जा रही होती हैं स्किन के ऊपर, लेयर्स बनती जा रही होती हैं, तो बहुत बुरा हाल होता है स्किन का, पोर्स खुल जाते हैं, पैचेस बन जाते हैं, मेरी टू टोन हो जाती है स्किन कभी कभी, कराची में स्पेशली, वो नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दिस मेकअप,
जो पानी है कराची का, मैं कोई बुराई नहीं कर रही हूँ कि मैं लाहौर की हूँ, और मैं बुराई नहीं कर रही, मेरे बर्थ प्लेस कराची है, क्योंकि डीएचए में, कराची के डीएचए में पानी जो है वो नलके का नहीं होता, वो टैंकर्स का पानी डलता है और वो खारा पानी होता है, नमकीन पानी होता है, तो उससे बाल और स्किन का बहुत बुरा हाल होता है। तो उसको हर तरीके की मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ कि इस तरह के खारे पानी से बचना, और मेकअप पूरा दिन अगर लगा के रखना है और अपनी स्किन को और अपने बालों को, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। तो अपनी स्किन को कैसे सही रखना है, मैं कैसे सही रखती हूँ, मैं ऐसे सही रखती हूँ कि जब पूरे दिन के बाद मैं शूट से फ्री होके घर आई हूँ, तो घर आते ही सबसे पहले तो मैं अच्छे तरीके से अपने फेस पे क्लेंजिंग करती हूँ। एनी क्लेंजर, मैं कोई नाम सजेस्ट नहीं करूंगी, अगर आप लोग मुझसे पूछें तो चलें मैं यहाँ पे नाम ले लेती हूँ, मैं लॉरियल का एक बहुत सादा सा क्लेंजर यूज करती हूँ। अगर लॉरियल का कभी कभी वो भी डिसकंटिन्यू हो जाता, मैं एक तो कोई भी चीज कंटिन्यू यूज करनी शुरू कर वो डिसकंटिन्यू हो जाती है, तो मुझे बहुत सारी चीजें अपनी नई शुरू करनी पड़ती हैं। तो अब मुझे मैं आदी हो गई हूँ, अब मुझे एक क्लिंजर अगर वो नहीं मिल रहा जो मैं यूज करती हूँ, तो कोई भी क्रीमी क्लिंजर होना जरूरी है, थोड़ा क्रीमी होना चाहिए। आप उस क्लिंजर को, आपके फेस पे मेकअप है, आप उस क्लिंजर को पहले अपने फेस पे 2-3 मिनट अच्छे तरीके से थोड़ा सा लगा के उसको मेकअप को रिमूव करना, और मेकअप को रिमूव करने के बाद दोबारा से वो क्लेंजर अपने हाथों पे लें, जो क्रीमी आपको मैं कह रही होना चाहिए वो फेस पे, उसके साथ आपने 10 से 15 मिनट कंटिन्यू अपने फेस पे क्लेंजिंग करनी है। थोड़ा पानी लगा लें हाथों पे दोबारा, अगर आपको बार बार क्रीम यूज नहीं करनी है, थोड़ा पानी हाथों पे लगा, 10 मिनट तो लाजमी है कि 10 मिनट तो आपने लाजमी कंटिन्यू क्लेंजिंग करनी है, वो करें। उसके बाद आप उसको वाइप ऑफ कर दें, टिश्यू से करें, या मुंह धोना चाहते हैं मुंह धो लें। उसके बाद जो क्लिन अपना मॉइस्चराइजर आपको सूट करता है, जो भी मॉइस्चराइजर आप लगाती हैं, कुछ भी लगाना जरूरी होता है, पहली बात तो ये, कुछ बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो कहती हैं हम तो लगाती ही नहीं है, सर्दियां हो गर्मी हो मॉइस्चराइजर, स्किन मॉइस्चराइज लाजमी रहनी चाहिए एनी टाइम। तो कोई भी मॉइस्चराइजर जो आपको सूट करता है वो आप लें और आप मुंह पे लगाएं और आप सो जाएं, या जो दिन भर के काम करने हैं अगर आप दिन का वक्त है तो वो कर लें, वेरी इजी। उसके अलावा आपने पानी एटलीस्ट 3 लीटर्स अ डे, एक दिन में 3 लीटर तो लाजमी पीना, 3 लीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहती हैं कि आपकी स्किन ग्लो करे, आपकी स्किन फिट रहे, अच्छी रहे, चमकदार रहे, कहीं पैचेस ना बने, और हाँ सबसे बड़ी बात यह कि जब हम अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखते, क्लिंजिंग का, मॉइस्चराइजर का, और बस हम कहते हैं वाह वाह वा, क्या चमक रही है, मतलब गोरी गोरी स्किन है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मेकअप किया और वापस आके जैसे तैसे मुंह धो के साबुन लगा के साफ किया और बस बड़ी खूबसूरत है हम, तो हमें किसी कोई चीज करने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि ये सब ना करने से आपकी स्किन टाइम से पहले, वक्त से पहले, आपकी एज से पहले स्किन पे रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, जो टाइम से पहले के रिंकल्स होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा होता हमारी स्किन ड्राई हो रही है, हमें सामने शीशे में देख के सेल्फीज लेके ये लग रहा होता है कि हमारी स्किन बहुत ठीक है, जबकि वो ठीक नहीं होती। हमें एक टाइम आता है जब लगता है कि यार ये रिंकल्स क्या आ रहे हैं फेस पे, ये क्यों? वो इसलिए होते हैं क्योंकि हमने अपनी स्किन के साथ इतनी ज्यादती कर दी होती है, उसको ड्राई रख रख के कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगाना, क्लिंजिंग रोज नहीं करनी, पानी 3 लीटर से कम पीना है या 2 लीटर से भी कम पीना है, तो ये ज्यादती हम अपनी स्किन के साथ खुद करते हैं। तो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपकी स्किन ऐसे कैसे रहती है, इतना सारा ये कम करने का, ऐसे रहती है कि रोज, ठीक है अगर मेरे शूट्स नहीं चल रहे हैं फिर तो जाहिर है मैं घर पे हूँ तो मैं मेकअप नहीं करती, और जब मैं आप लोगों को अपनी एक और बात बताऊं, जब मेरे शूट्स नहीं होते मैं घर पे होती हूँ तो मैं घर ही होती हूँ, फिर तो मेरे घर वाले मेरे आगे हाथ जोड़ देते हैं घर से निकल जाओ थोड़ी देर के लिए, कहीं मेरा बहुत मुश्किल होता है कहीं निकलना, मतलब मैं कहती हूँ नहीं सिर्फ मी टाइम है, घर पे रहने वाला टाइम है ये, तो तब तो मेकअप नहीं होता, लेकिन तब भी मैं एक दिन छोड़ के दूसरे दिन क्लिंजिंग 5-10 मिनट 12 मिनट जरूर करती हूँ। जरूरी नहीं है कि जब आपका मेकअप ही है तो आपने क्लिंजर यूज करना है और आपने क्लिंजर यूज नहीं करना, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तब भी आपने क्लेंजर यूज करना है। और जब भी आपने मुंह धोना है आपने कोई ना कोई जो भी आपको मॉइस्चराइजर सूट करता है आपने अपने फेस पे मॉइस्चराइजर जरूर लगाना है, लाजमी होता है। और दूसरा मतलब उस चीज का तो ख्याल मैं भी नहीं करती जो मैं कहने जा रही हूँ, दूसरों को नसीहत खुद मियां फसीहत वाली बात, कि कहीं बाहर जाए डे टाइम पे स्पेशली तो सन ब्लॉक लाजमी यूज करें, तो मैं यूज नहीं करती।
मैं यूज नहीं करती, मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं साथ रख लेती हूँ लेकिन पता नहीं यूज करना याद नहीं रहता। लेकिन आप लोग कहीं डे टाइम पे बाहर जाएं तो प्लीज प्लीज सनब्लॉक लाजमी यूज करें। अच्छा जी, ये तो स्किन की बातें हो गई जो मैंने आपसे, आई होप मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। अच्छा, फेस वॉश मैं कोई यूज नहीं करती हूँ, मैं सादा सा डव का साबुन आता है पिंक कलर का, मैं वो यूज करती हूँ मुंह धोने के लिए। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं मेरी, मैं बहुत कोई हजारों लाखों की चीजें यूज नहीं करती, मैं कुछ नहीं करती। मैं कोई क्लिनिक्स में जाके अपने फेस के ट्रीटमेंट मैं नहीं कराती। हाँ, हेयर लेजर ट्रीटमेंट मेरा जरूर होता है और एक दो पीको एंड चेनेसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वो भी मैं एक दो कराती हूँ, जो पोर्स बंद करने के काम आता है और थोड़ी सी ग्लो आती है, लेकिन वो भी वक्ती हैं। वो आप ट्रीटमेंट लेने के लिए जाएंगे वो इतने एक्सपेंसिव होंगे, वो आप पैसे देंगी और हफ्ता भी नहीं चलेंगे वो, और वो ट्रीटमेंट खत्म हो जाते हैं। तो उससे बेहतर है कि ये वाली जो चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये करें। पानी बहुत ज़्यादा पिए, क्लिंजिंग एवरी डे और मॉइस्चराइजर अच्छा वाला, स्किन को खाली नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, और ये सारी चीज़ें आपने करनी है। उसके बाद मेकअप जो है वो अच्छा वाला स्किन पे यूज़ करें, ये भी मैं कहना चाहूँगी। नहा के जब निकलें तो बॉडी लोशन जो होता है या बॉडी क्रीम्स होती हैं वो लाजमी यूज करें। अच्छा जी चलें, जब जल्दी से आ जाते हैं बालों पे। मेरे बालों का कलर है जी ये लॉरियल कंपनी को, वैसे मुझे एक टाइम पे आके ना कुछ पैसे देने चाहिए, चेक भेजना चाहिए, मैं लॉरियल को कुछ। हाँ, लॉरियल एक तो देखें बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, और दूसरा ये है कि बहुत सूट करता है, ये हर किसी को सूट करता है। तो अच्छा, लॉरियल का 7 नंबर एंड 8 नंबर मिक्स करके मैं यूज करती हूँ, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि आपके बालों का कलर, अगर तो नेचुरल ब्लैक है तो फिर आपको 7 यूज करने की जरूरत नहीं है ये वाले कलर के लिए। नेचुरल ब्लैक है तो आपको डायरेक्ट 8 नंबर यूज करने की, 8.1 नंबर यूज करने की जरूरत है। जो वो शैम्पू डाइज आते हैं आपको पता है लॉरियल के, उसके अंदर ही सब होता है, उसके अंदर ही उनका वो होता है वॉल्यूम जिसपे हम मिक्स करते हैं, और वही क्रीम होती है वो आपके बालों पे, जितना आपको आपको लगता है कि आपके बाल, अगर आपको पूरे ही बालों में करना है तो अपने लेंथ के हिसाब से 2 डब्बे लगते हैं, 1 डब्बा लगता है, जो भी लगता है आप वो सारा बनाएं और अपने बालों में। और अगर आपने खुद नहीं करना, मैं तो खैर खुद करती हूँ तो इसलिए मैं ये मशवरे दे रही हूँ आपको, आपको खुद नहीं करना तो आप सलोन में जाएं, किसी भी खुद लेके अपने डब्बे खरीद के चली जाएं पैसे बचाने के लिए। सलोन वाले तो आप जाके बोलेंगी तो वो आपके बालों की इतनी लेंथ जितनी मेरी लेंथ है इसके ऊपर वो बता देती हैं जी 18-20 हजार रुपए, और आजकल की महंगाई के मुताबिक तो पता नहीं आगे क्या पहुंचा होगा, मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। अपने डब्बे खरीदें और सलोन ले जाएं, उनसे कहें अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के कितने पैसे होते हैं, अब 1500, 2000, 2500 होंगे, 3000 होंगे मैक्सिमम। और अगर आपका ग्रे हेयर है, ठीक है, ग्रे हेयर है तो आप फिर 7 और 8 को दोनों को मिक्स करेंगे। ग्रे हेयर याद रखिएगा कि काले के अलावा या बहुत डार्क वाले ब्राउन के अलावा कवरेज नहीं आती, ब्लैक के अलावा कवरेज नहीं आती, तो ये एक मर्ज हो जाते हैं, ये सिर्फ मर्ज होगा और कुछ भी नहीं होगा। तो मर्ज होके पता नहीं चलता फिर भी, लेकिन मर्ज हो जाता है और ये सेम कलर रहता है और अच्छा कलर आता है, प्यारा कलर आता है। मतलब एक दफा आप करेंगे फिर उसके बाद जब रूट्स आप करनी शुरू करेंगी उसको सेम रखने के लिए तो वो बहुत अच्छा और अच्छा होता जाएगा। अब बालों को कैसे बचाएं, बालों को ऐसे बचाएं, इतने ज्यादा हेयर ट्रीटमेंट के बाद, और लड़कियों को भी आजकल जो जिनका शोबिस से नहीं ताल्लुक उनको भी आजकल शौक है, जो कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं वो अपने बालों में आयरन करती हैं एवरीडे और रोजाना का उनका एक हेयर स्टाइल होता है, तो ये सबके लिए ही है। जितनी भी जो डाई करती हैं, जो स्ट्रीकिंग करते हैं, सबसे पहली बात कि हफ्ते में 3 दफा हेयर ऑयलिंग लाजमी करनी है। अब हेयर ऑयलिंग जो ऑयल, मैं वही वाली बात करूंगी, सबका अपना स्किन टाइप होता है, सबका अपना हेयर टाइप होता है, मैं बार बार ये बात आपको याद करा रही हूँ। जो हेयर ऑयल आपको सूट करता है, सरसों का सूट करता है, ऑलिव ऑयल सूट करता है, कोकोनट सूट करता है, मुझे कोकोनट नहीं सूट करता, मेरे बाल ड्राई कर देता है, सरसों, ऑलिव, पुदीने का ऑयल, बहुत सारे ऑयल, मतलब मेरे पास तो एक ऑयल है जो 3-4 ऑयल इसी तरह जो मैंने नाम लिया ये मिक्स हुए हुए हैं, बाकी जो आपको सूट करता है वो आप हेयर ऑयल लाजमी यूज करें, हफ्ते में 3 दफा लाजमी यूज करें, उसको 3 से 4 घंटे लाजमी छोड़ें। मैं तो पूरी रात के लिए छोड़ देती हूँ, सच्ची बात है। पता नहीं लोग आजकल कहते हैं नहीं, हेयर ऑयल तो कुछ करता ही नहीं है, हेयर ऑयल तो लगाने की जरूरत ही नहीं होती, उसने क्या करना होता है, उसने बहुत बहुत कुछ करना होता है। और सुने,
नहाने के 2 घंटे पहले आपके घर में कहीं बाहर एलोवेरा का पौधा तो होगा, आपके आसपास पड़ोस में होगा, नहीं है तो खरीद के ले आए, 500 रुपए का पौधा मिलता है, वो अपने घर में रखें, ठीक है। नहाने के जब आपने हेयर ऑयलिंग की भी है, नहाने के 2 घंटे पहले या 1 घंटा पहले आप एलोवेरा का इतना सा पीस काटें, प्लांट में से इतना सा पीस काट के उसका सिर्फ ऊपर से उसको ग्राइंड करना है तो वो भी आपकी मर्जी की बात है, जो मैं करती हूँ मैं वो शेयर कर रही हूँ। आप उसका ऊपर से ऊपर वाला जो इसका हिस्सा है उसका आप छिलका उतारे, जैसे हम किसी भी सब्जी का आलू का छिलका उतारते हैं, पूरे का नहीं, ऊपर वाला हिस्सा आप उसका छिलका उतारें और एक छुरी की मदद से उस जब आपको जेल नजर आ जाए उसका, मेरे पास अभी है नहीं एलोवेरा वाला, आप जब आपको उसका छिलका उतारने के बाद नीचे आप उसका जेल नजर आ जाएगा, आप छुरी की मदद से उसको यूं खुरचें, हल्का सा ऊपर ऊपर से खुरचेंगे तो थोड़ी देर कुछ सेकंड्स के लिए आप खुरचेंगी तो ऊपर आपको जेल नजर आना शुरू हो जाएगा। वो जेल आप पकड़े अपनी मांग जैसे ये निकली हुई है, यूं आपने वही समझेंगे मेरे हाथ में एलोवेरा का वो वाला हिस्सा है, ये जेल निकल आया और यूं बालों में मांग में लगाया, फिर यहां से एक और मांग निकाली, फिर थोड़ा सा यूं रगड़ के जेल निकाला और यूं दोबारा से मांग निकाली और उसमें, और इस तरह आपने पूरे बालों में लगा लिया, उसको छोड़ दें 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद आप करें शैम्पू। आपके जले हुए बाल हैं, आपके मरे हुए बाल हैं, आपके 2 मुहे बाल हैं, आप तरस गई हैं अपने बालों को चमकता हुआ देखने के लिए, आप तरस गई हैं कि आपके बाल नरम क्यों नहीं हो रहे या आपके बाल अजीब मुरझा से क्यों गए, आप ये वाला एक दफा ट्रीटमेंट करके देखें, आप ये करके देखें, आप मुझे दुआएं देंगी और प्लीज लाजमी दुआएं दीजिएगा मुझे भी, मेरी माँ को भी, मेरे सारे घर वालों को। ये इतना कोई इफेक्टिव ये मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ ना कि आप सारी जिंदगी याद रखेंगे, ठीक है। और हाँ, मैं सोच रही थी कि मैं कोई बात भूल रही हूँ स्किन ट्रीटमेंट के लिए, मैं अपने फेस पे एलोवेरा लगाती हूँ जब मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है, स्पेशली सर्दियों में या गर्मियों में आफ्टर मेकअप, तो मैं अपने फेस पे इसी तरह एलोवेरा का जेल निकाला और अपने फेस पे लगाया, नेक पे लगाया, मैं तो अपने हाथों पे भी लगा लेती हूँ, ठीक है। और उसको 15 से 20 मिनट के लिए या 1/2 घंटे के लिए छोड़ दें, उसकी स्मेल थोड़ा डिस्टर्ब करती है क्योंकि नाक के पास लग जाता है, तो अगर बर्दाश्त कर लें तो वो 15-20 मिनट 25 मिनट के लिए छोड़ें, उसके बाद अपना मुंह धो लें, उसके बाद अपनी स्किन की ग्लो चेक कीजिएगा। तो ये थी जी मेरी स्किन की का ट्रीटमेंट कैसे सही रखते हैं, बालों का ट्रीटमेंट, बाल कैसे सही रखते हैं। और हाँ, एक और बात बालों की, वो ये कि हर महीने ट्रिमिंग की जरूरत नहीं होती है, हर महीने ट्रिमिंग की जरूरत नहीं होती, आफ्टर 2 मंथ्स आप अपने बालों की इतने से बाल काटें, अगर आप लंबे कर रही हैं, और अगर आपको छोटे रखने हैं तो वो बेशक आप हर महीने भी कटवा सकते हैं। तो हर 2 महीने के बाद चांद की पहली जो होती है हमारे इस्लामिक महीने की, उस पर आप बालों की ट्रिमिंग करवाएं, इतनी सी जितनी आपको ज़रूरत है। आई मीन, अगर आप यही ट्रीटमेंट जो मैं आपको बता रही हूँ ये करती रहेंगी तो आपको हर 2 महीने के बाद इतनी इतनी ही, कोई आधा आधा इंच ज़रूरत ही पड़ेगी। बस ये सारे ट्रीटमेंट्स हैं, ये ज़रूर आप कंटिन्यू करें, और पता है इनका बहुत अच्छा इफेक्ट है, ये आप जब करेंगे ना तो आपको खुद पता चलेगा कि आपके चेहरे पे जो बिला वजह के रिंकल्स भी पड़ गए होते हैं ना, तो आप सोचती हैं कि अभी तो मेरी एज इतनी नहीं है, ये मेरे चेहरे पे रिंकल्स क्यों पड़ रहे हैं। आप जब ये सारी चीज़ें जो मैंने अपने फेस पे पकड़ने के लिए, अपने बालों पे करने के लिए बताई, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं इंशाल्लाह। बस मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे सारे घर वालों को दुआओं में याद रखिएगा, और ये कीजिएगा ज़रूर, और करने के बाद मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा भी ज़रूर।